हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो देखिए, पोटेंशियोमीटर आपको पता होगा कि जब हम एसी ब्रिजेस पढ़ रहे थे तो एसी ब्रिजेस में मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस में जो मैंने पढ़ाया था आपको, मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस में, उसमें एक पॉइंट लिखवाया था पोटेंशियोमीटर के बारे में, राइट। तो पहला पॉइंट पोटेंशियोमीटर के बारे में यही होने वाला है कि इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस। ये हमारा लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो लो रेसिस्टेंस मतलब क्या, लेस देन 1 ओम। तो जो भी रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी लेस देन 1 ओम की, उसको ये पोटेंशियोमीटर नाप सकता है, राइट। तो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट हमने एसी ब्रिजेस में देखा था, पर इस चीज को कैसे मेजर करेगा वो अब हम यहां पे समझेंगे। मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस मतलब कि क्या, लेस देन 1 ओम। ये क्लासिफिकेशन हम एसी ब्रिजेस में देख चुके हैं, ठीक है, लेस देन 1 ओम, राइट, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया कि पोटेंशियोमीटर से हम लो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को नाप सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि पोटेंशियोमीटर से रेसिस्टेंस के अलावा ना हम ईएमएफ या वोल्टेज, जो अननोन वोल्टेज होता है, उसको भी नाप सकते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, ये आपका अननोन ईएमएफ या वोल्टेज को नापने के लिए भी यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ और वोल्टेज, ठीक है, और वोल्टेज, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के अलावा हम यहां पे वोल्टेज भी नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब देखिए, आपको मैंने पता होगा कि एक हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वॉट। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं कि देखिए, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट राइट। तो हॉर्स पावर मतलब ये क्या, वो तो एक मैकेनिकल पावर है ना, हॉर्स तो हमारा एक एनिमल है। अब उसको हम इलेक्ट्रिकल, वॉट क्या है, पावर है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। ये जो ये वॉट क्या है, यूनिट है पावर का, पावर का यूनिट है ना वॉट, और पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो वॉट हमारा पावर का यूनिट है और पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। अब ये हॉर्स पावर क्या है, हॉर्स पावर तो भाई मैकेनिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मैकेनिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो एनिमल की पावर की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे तो वो मैकेनिकल पावर हो गया, पर हम क्या किए हैं यहां पे, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। मतलब कि क्या हो रहा है कि एक क्वांटिटी को, मैकेनिकल क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, या फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख रहे हैं, राइट। तो ये जो चीज होता है जिसमें हम रिलेशन करते हैं या कन्वर्जन करते हैं एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो वैसे ही चीज ये पोटेंशियोमीटर भी करता है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है, जैसे कि आपका वोल्टेज हो गया, अब वोल्टेज को आपका लीनियर क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ, लेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देता है। मतलब कि अगर ये आपका पोटेंशियोमीटर क्या करता है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे जब पोटेंशियोमीटर का, तो आपको समझाऊंगा मैं कि मान लीजिए 10 वोल्ट का आपके पास वोल्टेज सोर्स है। अब पोटेंशियोमीटर क्या करता है कि वो 10 वोल्ट आपका लीनियर स्केल में, एक स्केल में, अगर आप स्केल ले लोगे ऐसे इस प्रकार से कुछ, तो स्केल के थ्रू आपको बता देगा कि 10 वोल्ट आपका 5 सेंटीमीटर के बराबर है, सपोज करो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वोल्टेज, और उसको किसने बता रहे, लेंथ के टर्म्स में बता रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। तो यही काम करता है पोटेंशियोमीटर भी। तो यहां पे थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन
ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा। मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जो वॉट है ये क्या है, पावर का यूनिट है, और पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, और हॉर्स पावर क्या है, ये तो एक मैकेनिकल क्वांटिटी है। क्यों मैकेनिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एनिमल का पावर को हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हम रिलेट कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं एक मैकेनिकल क्वांटिटी और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच में। तो ये जो कन्वर्जन, ये जो रिलेशन है, ये क्या बोल रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैकेनिकल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आपका पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये भी स्टैंडर्डाइजेशन करता है, पर यहां पे ये क्या करता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वोल्टेज, वोल्टेज को ये कन्वर्ट करेगा लेंथ के फॉर्म में। तो ये अगर आप मान लीजिए आपका 10 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, तो उसको ये 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के हिसाब से दिखा सकता है लेंथ में। ठीक है, तो एक स्केल के थ्रू ये आपको बताएगा कि 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, पता है, 5 वोल्ट, 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 वोल्ट। तो इस प्रकार से कुछ आपका ये स्टैंडर्डाइज करेगा। तो यहां पर मैं स्टैंडर्डाइजेशन का भी आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, कन्वर्जन ऑफ वन क्वांटिटी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ये रफ डेफिनेशन दिया हमें, तो यहां पे एग्जांपल देता हूं आपका पोटेंशियोमीटर का एग्जांपल। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लेंथ के टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, ये तो यहां पे आप ये सब पॉइंट नोट कर सकते हो, और ये तो आपका अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए था। तो आपको समझ में आ गया तीन पॉइंट, कि पहला पॉइंट जो हम एसी ब्रिजेस से जानते थे कि पोटेंशियोमीटर हमारा लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, दूसरा पॉइंट कि पोटेंशियोमीटर से हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट कि पोटेंशियोमीटर आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर के लिए भी यूज किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है, कि एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना। जैसे कि क्या, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम किसमें किसके टर्म्स में लिखते हैं, लेंथ के, इसके लेंथ के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो पोटेंशियोमीटर आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लेंथ के फॉर्म में लिखता है, राइट। तो ये चीज हो गया आपका स्टैंडर्डाइजेशन का बात। और क्या चीज मेजर किया जा सकता है पोटेंशियोमीटर से, ये मेजर करता है आपका इनपुट डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करता है। ठीक है, इनपुट, इट कैन मेजर इनपुट डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। ठीक है, अब इनपुट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि वही आपने जितना इनपुट प्रोवाइड किया उसके हिसाब से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो भी आपका ये चीज मेजर कर लेगा, वो हम डायग्राम के थ्रू से समझ जाएंगे। तो ओवर इन ऑल आपका जो पोटेंशियोमीटर होता है वो आपका एक लेंथ कंपैरिजन डिवाइस होता है। लेंथ कंपैरिजन मतलब ये क्या, कि ये आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो आपके स्केल के फॉर्म में, एक स्केल रहेगा पोटेंशियोमीटर में, उसमें नाप के उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्डाइज करेगा लेंथ के फॉर्म में। ठीक है, तो ये लेंथ कंपैरिजन डिवाइस होता है। और देखिए इसमें ना, जैसे आपने एसी ब्रिजेस पढ़ा, तो एसी ब्रिजेस में क्या यूज किया था हमने, डिटेक्टर यूज किया था। डिटेक्टर क्या काम कर रहा था, डिटेक्टर हमें यह बताता था कि जब भी एसी ब्रिज हमारा बैलेंस होता है तो क्या होता है, करंट उसमें जीरो फ्लो होने लग जाता था डिटेक्टर में, है कि नहीं। तो जब भी बैलेंस कंडीशन में पहुंचता था ब्रिज, तो डिटेक्टर में जीरो करंट फ्लो होता था। तो हम ये पता कर सकते हैं कि जब भी डिटेक्टर में जीरो करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि क्या, ब्रिज बैलेंस हो चुका है। तो वैसे ही पोटेंशियोमीटर भी क्या है, आपका एक नल डिटेक्टर डिवाइस है, राइट। नल डिटेक्टर डिवाइस क्यों, क्योंकि यहां पे भी हम एक डिटेक्टर यूज करेंगे जो बताएगा हमें कि जब भी पोटेंशियोमीटर बैलेंस हो गया है तब उसमें करंट जीरो फ्लो होने लग जाएगा, राइट। तो पोटेंशियोमीटर यहां पे मैं पॉइंट लिख देता हूं, पोटेंशियो मीटर इज ऑल्सो नोन एज नल डिटेक्टर डिवाइस।
ठीक है। तो ये नल डिटेक्टर डिवाइस है। क्यों नल डिटेक्टर डिवाइस है? क्योंकि ये डिटेक्टर का यूज करता है जो बैलेंस कंडीशन में उसमें करंट जीरो फ्लो होता है, राइट। तो ये आपका, और इसी नल डिटेक्टर डिवाइस के कारण, मतलब इसी जो डिटेक्टर यूज कर रहे हो आप, जो बैलेंस कंडीशन में जिसमें जीरो करंट फ्लो होगा, उसके कारण इस पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ यूजिंग डिटेक्टर द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीजेस, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में जो हम डिटेक्टर यूज कर रहे हैं उसके कारण हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है पोटेंशियोमीटर में। अब देखिए, ब्रिजेस में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज का हम डिटेक्टर यूज करते हैं, वैसे ही पोटेंशियोमीटर में भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सा डिटेक्टर हम यूज करते हैं। तो पहला चीज, जब आप डीसी पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो डीसी पोटेंशियोमीटर में हम गैल्वेनोमीटर एज डिटेक्टर यूज करते हैं। तो डीसी पोटेंशियोमीटर के, फॉर डीसी पोटेंशियोमीटर वी यूज गैल्वेनोमीटर एज बैलेंस्ड डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर का क्या क्या काम होता है, डिटेक्टर का काम क्या होता है, वो बताता है कि जब भी उसमें करंट जीरो फ्लो होने लग जाएगा, जब भी डिटेक्टर में करंट जीरो होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि पोटेंशियोमीटर बैलेंस्ड हो गया है, जैसे हम एसी ब्रिजेस में पढ़े थे, राइट। वैसे ही इसका डिटेक्टर काम यहां पे भी वही होगा। और फॉर एसी पोटेंशियोमीटर, एसी पोटेंशियोमीटर वी यूज इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एमीटर, डायनामोमीटर एमीटर एस डिटेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एमीटर यूज करते हैं एस बैलेंस डिटेक्टर में, ठीक है, एसी पोटेंशियोमीटर में। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने पोटेंशियोमीटर का आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि एक लोड रेसिस्टेंस को मेजर करता है, ये आपका ईएमएफ या वोल्टेज को मेजर करता है, ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है वोल्टमीटर और एमीटर के, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था आपका, फोर्थ पॉइंट है इट कैन मेजर इनपुट डिस्प्लेसमेंट, राइट। पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो नोन एज नल डिटेक्टर डिवाइस। नल डिटेक्टर डिवाइस क्यों यूज करते बोलते हैं इसे, इसलिए इसे नल डिटेक्टर डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक डिटेक्टर यूज किया जाता है जिसके कारण इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। अब डिटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, हम फॉर डीसी पोटेंशियोमीटर में गैल्वेनोमीटर एज अ डिटेक्टर यूज करते हैं, और फॉर एसी पोटेंशियोमीटर में इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एमीटर एज डिटेक्टर यूज करते हैं, राइट। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग के ऊपर, कि मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं आपका, और देखते हैं कि कैसे हम अननोन ईएमएफ को लेंथ के फॉर्म में कैसे मेजर करते हैं, और ये पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है। अब हम मेन मुद्दे में आएंगे और इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, राइट, जिसे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का यहां पर मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं, ये देखिए। तो ये आपका हो गया, एक वर्किंग बैटरी ले रहा हूं, ठीक है, एक वर्किंग बैटरी लिया मैंने जिसका वोल्टेज हमें पता रहेगा, इसका नॉन वोल्ट बैटरी है ये। अब यहां पे एक मैं रियोस्टेट ले लेता हूं, एक रियोस्टेट ले लिया, ठीक है, ये आपका इसका रेसिस्टेंस क्या है RH, और ये क्या है रियोस्टेट का वोल्ट रेसिस्टेंस है जिसको मैं RH से कर रहा हूं, बैटरी का ये नॉन बैटरी है, ठीक है। अब यहां पे स्केल बना देता हूं एक जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आपका हो गया स्केल। तो स्केल में कुछ डिविजन्स होंगे हमारे, राइट। तो इसके पूरा स्केल में हमने डिविजन्स कर दिया, और फिर यहां पे आपका दो वोल्टेजेस मेजर करने के लिए मैं रख लेता हूं, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा यहां पे स्लाइड वायर ले लेता हूं,
ठीक है, और ये स्विच हो गया, ये P रख देते हैं इसको, इसको Q रख देते हैं नाम, और इसको A पॉइंट रख देते हैं, इस पॉइंट को, इस नाम पॉइंट को C, B रख देते हैं, और इस पॉइंट को C रख देते हैं, और ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, राइट। ठीक है, तो अब देखिए मैं एक एक नाम रख देता हूँ सबका। ये आपका नोन बैटरी सोल्स हो गया, नोन बैटरी वोल्टेज, यहां पे मैं रियोस्टेट यूज कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें आप सपोज कीजिए पूरे सर्किट में, देखो ये वायर तो एक ही है ना, ये पूरा सर्किट एक ही है, तो यहां पे एक वर्किंग करंट फ्लो हो रहा है IW, वर्किंग करंट यहां से फ्लो होती हुआ जा रहा है, देखो IW। और ये क्या है आपका, ये जो ये पार्ट जो है ना AB, जो मैंने ABC बनाया है, ये आपका है स्लाइड वायर, स्लाइड वायर है, ठीक है। ये क्या है आपका, स्केल है, स्केल है, लीनियर स्केल है, लीनियर सिंपल सा स्केल है, ठीक है। ये डिटेक्टर हो गया, ठीक है, इसमें आप सपोज कीजिए आईजी करंट फ्लो हो रहा है, जो जीरो हो जाएगा बैलेंस कंडीशन में, ये आपका अननोन वोल्टेज हो गया, अननोन वोल्टेज, ठीक है। और ये आपका वीएस हो गया, वीएस क्या है आपका, स्टैंडर्ड बैटरी सेल, ये बैटरी वोल्टेज या सेल, स्टैंडर्ड सेल या वोल्टेज, स्टैंडर्ड वोल्टेज, ठीक है, ये हो गया। और ये आपका क्या हो गया, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हो गया, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, राइट। ये तो पूरा आपका डायग्राम यहां पे दिख गया है मुझे, ये जो कॉन्टैक्ट है ना, ये हम लोग का स्लाइड कर सकते हैं इसको, तो इसको आप ऐसे ऐसे करके स्लाइड कर सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो आप इसको स्लाइड कर सकते हो पूरे वायर पे, और ये आपका स्लाइडिंग वायर है, ठीक है, स्लाइडिंग वायर है, तो इसलिए इसका, राइट। तो अब देखिए ध्यान से सुनिए इसका वर्किंग, ठीक है। इतने सर्किट को देखो, ये यहां से लेके इतने सर्किट को ध्यान से देखो, ठीक है, ये स्केल और ये सब कुछ इसको भूल जाओ, क्या दिख रहा है, सिंपल सा सर्किट दिख रहा है ना, क्या ये एक बैटरी सोर्स है, एक बैटरी है सिंपल सा, इसको और अच्छे से बैटरी बना देता हूं मैं, दिख जाएगा आपको, ये देखो बैटरी है। अब बैटरी है, रियोस्टेट का रेसिस्टेंस है, ठीक है, रियोस्टेट का रेसिस्टेंस है, एक वर्किंग करंट है, और ये क्या है, ये एक वायर है, स्लाइड वायर है, ठीक है, ये स्लाइडिंग वायर है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस स्लाइडिंग वायर में क्या है, इसके स्लाइडिंग वायर के जस्ट ऊपर में क्या है, एक लीनियर स्केल रखा गया है, उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए, स्लाइडिंग वायर के जस्ट ऊपर एक स्केल रखा गया है जिसके हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो एक डिवीजन है स्लाइडिंग वायर का, ये जो एक डिवीजन है यहां पर, ये जो डिवीजन है, एक डिवीजन, वो एक सेंटीमीटर के हिसाब से ले लो, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं मैं, सपोज करने बोल रहा हूं आपको समझाने के, एक डिवीजन आपका 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये स्केल का बता रहा हूं ना, तो लीनियर स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। मान लो कि ये स्केल का पूरा लेंथ ए से बी पॉइंट तक 100 सेंटीमीटर का है, टोटल लेंथ कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो एक डिवीजन का स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के जस्ट ऊपर में रखा हुआ है ना, जस्ट ऊपर में स्केल रखा हुआ है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो एक डिवीजन का जो ये है ना इतना एरिया, इसका इस पॉइंट का रेसिस्टेंस कितना है स्लाइडिंग वायर का, एक डिवीजन का, 1 डिवीजन ऑफ स्लाइडिंग वायर इज इक्वल टू R ओम पर सेंटीमीटर, या R ओम पर डिवीजन लिख दूं, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ स्लाइडिंग वायर, ठीक है। तो देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने स्लाइडिंग वायर रखा था, एक सिंपल सा वायर है ब्लैक वाला, उसके ऊपर आपने स्केल रखा हुआ है, लीनियर स्केल है जिससे आप लेंथ नाप सकते हो। अब मैं ये बोल रहा हूं, मान लो कि उसका स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है, तो ये डिवीजन किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। अब
मैं ये बोल रहा हूं कि जो स्लाइडिंग वायर है ना ब्लैक कलर का, उसका रेसिस्टेंस किसके बराबर है? रेसिस्टेंस ऑफ स्लाइडिंग वायर इज इक्वल टू आर ओम, स्मॉल आर ओम पर डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब कि क्या कि हर एक सेंटीमीटर का, स्लाइडिंग वायर के हर एक सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना हुआ? आर ओम हुआ। हर एक सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना हुआ? आर ओम हुआ। अब मैंने आपको क्या बोला कि टोटल लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर है। तो जब इतने इतने छोटे से पोर्शन का रेसिस्टेंस कितना हुआ? स्मॉल आर ओम हुआ पर डिवीजन। ठीक है, तो अगर मुझे यहां इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक बात करना है जो कि 100 सेंटीमीटर है, तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा भाई? उसका रेसिस्टेंस होगा, सिंपल सी बात है, 100 R। ठीक है, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 R। ठीक है, ये अब इसी चीज को अब मैं L के टर्म्स में समझाता हूं। देखो, सपोज करो इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ कितना है? LAB। ये आपका डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है? LAB है, राइट। टोटल लेंथ कितना हो गया यहां पे? यहां पे लिखता हूं मैं टोटल लेंथ। इस पॉइंट को आप लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे टोटल लेंथ कितना हुआ आपका? LAB। यहां पे लिखोगे टोटल लेंथ ऑफ स्लाइड वायर, लेंथ ऑफ स्लाइड वायर इज इक्वल टू LAB। ठीक है, अब LAB, राइट। मैं ये बोल रहा हूं रेसिस्टेंस ऑफ पर डिवीजन ऑफ स्लाइड वायर कितना है? रेसिस्टेंस पर डिवीजन ऑफ स्लाइड वायर कितना है? आर ओम पर डिवीजन। ठीक है, कितने भी डिवीजन का हो तो उसका रेसिस्टेंस कितना होने वाला है? छोटे से एरिया डिवीजन का, आर ओम। अब टोटल लेंथ अगर LAB है तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ स्लाइड वायर कितना हुआ? टोटल रेसिस्टेंस ऑफ स्लाइड वायर कितना हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया था, नंबर के फॉर्म में बताया था ना, एक सेंटीमीटर का अगर आर डिवीजन आर ओम है तो 100 सेंटीमीटर का कितना हुआ? 100 आर ओम हुआ। वैसे ही अगर टोटल लेंथ LAB है तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हुआ? LAB इनटू आर। ठीक है, तो ये आपको हो गया टोटल रेसिस्टेंस ऑफ स्लाइड वायर, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? RAB से। अब आपको टोटल रेसिस्टेंस मिल चुका है, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ स्लाइड वायर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का रेसिस्टेंस आपको मिल चुका है। ठीक है, छोटे से पॉइंट का रेसिस्टेंस कितना है? आर ओम है, स्मॉल आर, और आर इस पॉइंट से इस पॉइंट का रेसिस्टेंस कितना है? RAB है, जो किसके इक्वल है? LAB, लेंथ ऑफ स्लाइड वायर इनटू रेसिस्टेंस पर डिवीजन। ठीक है, अब देखो इतना सर्किट को भूल जाओ, इतना देखो बस, क्या दिख रहा है आपको? एक बैटरी वोल्टेज है, रियोस्टेट रेसिस्टेंट है, और क्या है ये? वर्किंग करंट है, और ये एक स्लाइड वायर है जिसका रेसिस्टेंस मुझे पता है। तो क्या मैं वर्किंग करंट IW जो है यहां पे, IW क्या है? वर्किंग करंट है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? बिल्कुल, VB अपॉन L, ये देखो RAB लिखता हूं यहां पे पहले, RAB क्या है? टोटल रेसिस्टेंस ऑफ स्लाइड वायर है, प्लस RH, ठीक है, RH रियोस्टेट रेसिस्टेंट। ठीक है, और इसको अगर मैं लिखूं तो IW किसके फॉर्म में आ गया? VB अपॉन RH LAB इनटू R प्लस RH। ठीक है, अब लेंथ फिक्स्ड है, लेंथ आपका फिक्स्ड रहेगा, बैटरी वोल्टेज फिक्स्ड रहेगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू पर डिवीजन फिक्स्ड रहेगी। क्या वेरी करेगा भाई? सिर्फ और सिर्फ रियोस्टेट का रेसिस्टेंट को आप वेरी कर सकते हो इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को घुमा के। ठीक है, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू को कैसे वेरी करोगे? इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को वेरी करके। तो जैसे जैसे आपका RH वेरी करेगा, वैसे वैसे आपका वर्किंग करंट भी वेरी करेगा, राइट। तो अगर आप RH को बढ़ाओगे वर्किंग करंट कम होगा, RH को कम करोगे वर्किंग करंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया आपका वर्किंग करंट का यहां पे, राइट। अब आपके पास पता चल गया कि ये वर्किंग करंट हमारे पास आ गया है।
सब कुछ पता चल गया यहां पे, वर्किंग करंट का वैल्यू पता चल गया, लेंथ पता है आपको, एलएबी है, रेसिस्टेंस पर डिवीजन पता है, रियोस्टेट रेसिस्टेंट पता है, नॉन बैटरी वोल्टेज पता है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा चालू होगा कि कैसे हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो यहां तक अगर आप समझ चुके हो तो आपको समझने में अब दिक्कत नहीं होगा आगे का पार्ट को, कि अगर ये करंट IW इस पूरे स्लाइड वायर में फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे सर्किट में फ्लो हो रहा है IW, वर्किंग करंट आपका फ्लो हो रहा है, और मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि रेसिस्टेंस पर डिवीजन क्या है स्लाइड वायर का, आर ओम्स है, टोटल रेसिस्टेंस कितना है RAB है, टोटल लेंथ कितना है LAB है। इसका मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो वर्किंग करंट आपका 5 एम्पियर है, वर्किंग करंट आपका 5 एम्पियर है, और इतना से इतना डिस्टेंस, मान लो इतना से इतना लेंथ आपका कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना से इतना, इसको ले रखता हूं 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, वर्किंग करंट हो गया 5 एम्पियर, और क्या बोल रहा हूं मैं, ये बोल रहा हूं कि रेसिस्टेंस पर डिवीजन कितना है आपका, सपोज करो 1 ओम है, ठीक है, रेसिस्टेंस पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, और आर क्या है आपका, यहां पर लिख देता हूं R = 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो अगर R = 1 ओम पर सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का कितना रेसिस्टेंस होगा, 5 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस होगा, 5 सेंटीमीटर का कितना रेसिस्टेंस होगा 5 ओम, है ना, 5 ओम रेसिस्टेंस होगा, वर्किंग करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो यहां से इस पॉइंट तक वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 5 ओम × 5 एम्पियर, कितना हो गया 25 वोल्ट, है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर 5 सेंटीमीटर का लेंथ है तो उसमें 25 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर आपका रेसिस्टेंस पर डिवीजन कितना है 1 ओम का है, और वर्किंग करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो ओवर इन ऑल मैंने क्या कर दिया, मैंने ये किया कि आपका सेंटीमीटर जो लेंथ है उसको किसके टर्म्स में बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वोल्टेज के टर्म्स में, मतलब कि क्या रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया मैं कि 25 वोल्ट किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर स्केल के बराबर है कि नहीं। वैसे ही आप क्या बोल सकते हो कि सर अगर ये 5 सेंटीमीटर 25 वोल्ट को बता रहा है तो 10 सेंटीमीटर कितने वोल्ट को बता रहा होगा, 10 सेंटीमीटर आपका 250 वोल्ट को बता रहा होगा, नहीं सॉरी 50 वोल्ट को बता रहा होगा, है ना। अगर 5 सेंटीमीटर आपका 25 वोल्ट को बता रहा है तो 10 सेंटीमीटर आपको 50 वोल्ट को बता रहा होगा, वैसे ही 50 सेंटीमीटर कितने वोल्ट को बता रहा होगा 250 वोल्ट को बता रहा होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देखो लेंथ और वोल्टेज जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको रिलेट कर दे रहे हैं, मतलब कि क्या हम इसको स्टैंडर्डाइज कर दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या बोला था कि पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, राइट। तो अब यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वर्किंग करंट के फ्लो होने के कारण और स्लाइडिंग वायर के रेसिस्टेंस के कारण क्या होगा, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप को आप मेजर कर सकते हो लेंथ से, क्योंकि क्या है जस्ट ऊपर में स्केल है, तो आप हर वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से उसका इक्विवेलेंट स्केल बता सकते हो। अब इससे हमारा क्या यूज आएगा, ये यूज आएगा, अब सपोज करो इस पॉइंट को मैं आपको समझाने के लिए रखा था, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम वर्किंग करंट फ्लो करवा के और रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेकर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक स्टैंडर्ड वोल्टेज लेते हैं। स्टैंडर्ड वोल्टेज मतलब क्या, सपोज करो कोई बैटरी, ये बैटरी तो आपको पता ही है, ये तो बैटरी आपको किस लिए, वर्किंग करंट को फ्लो करवाने के लिए। अब मान लो कि आप कोई 10 वोल्ट का कोई बैटरी सोर्स ले लिए, ठीक है, 10 वोल्ट जिसकी वैल्यू आपको पता है। मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड वोल्टेज या स्टैंडर्ड सेल लिया 10 वोल्ट का, यहां पर लिख देता हूं 10 वोल्ट, ठीक है, इसका वैल्यू मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं ना इस जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये स्विच का पॉइंट जो है, उसको किससे कनेक्ट कर दूंगा, क्यू से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये हमारा क्यू कनेक्ट हो गया, राइट। तो सपोज करो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये सर्किट अब ये हमारा ऐसे हो गया। अब क्या करूंगा पता है, मैं इस गैल्वेनोमीटर, ये जो डिटेक्टर है, उसका स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट को लेकर इससे टच करूंगा स्लाइडिंग वायर से। अब यहां पे आपका ऐसे करके मूव करना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसे ऐसे करके मूव करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, समझ गए। क्या किया मैं, एक नॉन वैल्यू 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लिया,
और उसकी वैल्यू मुझे पता है वोल्टेज सोर्स की, और स्लाइडिंग वायर यहां पे मैं स्विच को यहां पे क्यू से कनेक्ट कर चुका हूं, और डिटेक्टर को लेकर मैं स्लाइडिंग वायर के ऊपर ऐसे करके स्लाइड करने लग गया हूं। ठीक है, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि देखो स्लाइडिंग वायर में पहले से ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब जैसे ही मुझे यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप है इस पॉइंट से पॉइंट सी का, एसी ये ए और सी पॉइंट के बीच जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप आपका 10 वोल्ट हुआ, वैसे ही क्या होगा, यहां पे 10 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसका वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा वैसे ही क्या होगा, गैल्वेनोमीटर करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में, सी पॉइंट में आपका गैल्वेनोमीटर डिटेक्टर जो है वो बैलेंस हो गया। इसका मतलब कि क्या, कि आपका स्टैंडर्ड सेल बैलेंस हो गया। और जैसे ही आप पता कर लोगे कि इस पॉइंट पे आपका गैल्वेनोमीटर बैलेंस हो गया है, तुरंत उसका लेंथ नाप लोगे कि अच्छा हाँ इस पॉइंट में आपका सपोज करो बैलेंस हो गया। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, 10 वोल्ट का आपने वोल्टेज लिया सपोज करो, अब इसका ये बैटरी है ठीक है 10 वोल्ट का, इसको मैं ऐसे करता हूं, ठीक है ये हो गया आपका नॉन वोल्टेज स्टैंडर्ड सेल ठीक है। अब यहां पे आपने क्यू पॉइंट कनेक्ट किया, आपने स्लाइड वायर पे ऐसे स्लाइड किया, और आपको पता चला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में, पॉइंट सी पर आपका जो डिटेक्टर का करंट था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब क्या, इस पॉइंट L1 पे ठीक है, L1 डिस्टेंस पे, ये कितना डिस्टेंस है L1, ये L1 डिस्टेंस पे, L1 लेंथ पर क्या हुआ आपका स्टैंडर्ड सेल बैलेंस हो गया। बैलेंस मतलब क्या, इस L1 लेंथ के, इस L1 लेंथ का किसके इक्विवेलेंट हो गया, 10 वोल्ट के इक्विवेलेंट हो गया राइट। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक पॉइंट लिखता हूं, पहले आप ये सब चीज को आराम से नोट कर लेंगे कि ये वर्किंग करंट आ चुका है, ये वर्किंग करंट के कारण यहां पे ड्रॉप हो रहा है। अब ड्रॉप होने के बाद मैंने क्या बोला कि जब आप स्लाइड वायर को स्लाइड करने लग जाओगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करने लग जाओगे, तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो, जहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका स्टैंडर्ड सेल का वोल्टेज क्या होगा, इक्वल होगा यहां के वोल्टेज ड्रॉप से। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल का वोल्टेज इक्वल होगा यहां के वोल्टेज ड्रॉप से, और जैसे ही इक्वल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट के बीच क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, डिटेक्टर करंट जीरो हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता चल गया डिटेक्टर करंट जीरो हो गया, आप डिटेक्टर को देखते रहोगे, जैसे जीरो करंट हुआ यहां पे, तो क्या करोगे आप तुरंत इस पॉइंट को रोक लोगे और यहां पे लेंथ नाप लोगे। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ, लेंथ एट विच, एट विच स्टैंडर्ड सेल गेट बैलेंस्ड, इज इक्वल टू L1। ठीक है, तो L1 लेंथ में आपका स्टैंडर्ड सेल बैलेंस हो गया, टोटल लेंथ क्या है LAB है। अब क्या करोगे, इसका तो वैल्यू आपको पता था, ठीक है इसका तो वैल्यू पता था, आपने 10 वोल्ट का लिया, कितने वोल्ट का भी लिया। अब आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू है अननोन वोल्टेज है, अब आप क्या करोगे, स्विच को यहां से हटाओगे, अब स्विच को P पॉइंट पे कनेक्ट कर दोगे। स्विच को जैसे ही P पॉइंट पे कनेक्ट करोगे, और यहां पे क्या है, अननोन वोल्टेज है, इस वोल्टेज का वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है, पर आपको यह पता चल गया है कि Vs वोल्टेज के लिए L1 लेंथ यूज हो रहा है। मतलब कि क्या, आप यहां पे लिख सकते हो Vs इज इक्वल टू IW, वर्किंग करंट, देखो वर्किंग करंट फ्लो हो रहा है ना यहां पे, इंटू L1 R, ठीक है। यहां A पॉइंट से C पॉइंट तक लेंथ कितना है, L1 है, रेसिस्टेंस पर डिवीजन कितना है, स्मॉल r है, तो A पॉइंट से C पॉइंट का रेसिस्टेंस कितना हुआ, L1 r हुआ, ये रेसिस्टेंस हुआ, करंट कितना फ्लो हो रहा है वर्किंग करंट, तो IW, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस कितना, रेसिस्टेंस RAC का रेसिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, स्टैंडर्ड सेल के रेसिस्टेंस के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब आप देखोगे लेंथ एट विच अननोन वोल्टेज गेट बैलेंस्ड, ठीक है, तो वो सपोज करो L2 आ गया, ठीक है,
तो आपने फिर से क्या किया, पॉइंट पी पे स्विच को लाया, तो आपका ये सर्किट हो गया, ठीक है, ये आपका करंट हो गया सर्किट। अब आप क्या करोगे, डिटेक्टर को लोगे, फिर से ऐसा करके स्लाइड करने लग जाओगे वायर पे, ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पे स्लाइड करने लग जाओगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा, सपोज करो ये पॉइंट, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपने देखा, इस सी पॉइंट पे आपने देखा कि आपका डिटेक्टर करंट क्या हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया। डिटेक्टर करंट जैसे ही जीरो होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा पोटेंशियोमीटर बैलेंस हो चुका है। जैसे ही पोटेंशियोमीटर बैलेंस हो जाएगा, आप क्या करोगे, तुरंत यहां से इस लेंथ को नाप लोगे, ठीक है, इस लेंथ को नाप लोगे, तो आपके पास कितना लेंथ आया, L2 लेंथ आ गया। तो आपको पता चल गया कि अननोन वोल्टेज कहां पे बैलेंस हो रहा है, L2 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, स्टैंडर्ड सेल कहां पे बैलेंस हो रहा है, L1 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि Vs is equal to IW L1R था, वैसे ही Vx किसके इक्वल होगा, IW into L2R, ठीक है, रेजिस्टेंस पर डिवीजन और इंटू कितना लेंथ, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट का जहां पे बैलेंस हो रहा है उस पॉइंट का लेंथ, तो टोटल रेसिस्टेंस आ गया हमारा यहां से इस यहां तक का, और उससे रेसिस्टेंस करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होगा, अननोन वोल्टेज के इक्वल होगा, तभी ना जाके पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, और उसके कारण गैल्वेनोमीटर करंट भी जीरो होगा। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन टू हो गया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका ये जो IW है, IW वर्किंग करंट क्या है, ये दोनों केसेस के लिए सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि वर्किंग करंट किसके कारण डिपेंड कर रहा है भाई, वर्किंग करंट का आपने, मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया कि वर्किंग करंट इज इक्वल टू VB अपॉन RH प्लस क्या था, LAC इंटू R था। तो आप, मैंने आपको ये बोला था कि LAB कॉन्स्टेंट है, R भी कॉन्स्टेंट है, रियोस्टेट के रेसिस्टेंस को बस वेरी करके आप IW को वेरी कर सकते हो और कुछ चीज को वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने रियोस्टेट के रेसिस्टेंस को तो वेरी करके फिक्स कर दिया था, अब जो वर्किंग करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों केसेस के लिए, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों के लिए सेम है, क्योंकि आप रियोस्टेट को बार बार तो छेड़खानी नहीं करोगे, तो रियोस्टेट से फिक्स्ड हो गया, वर्किंग करंट भी फिक्स्ड है, तो अब वर्किंग करंट दोनों केसेस के लिए सेम है। दूसरा चीज, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर दोनों सेम होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस पर डिवीजन थोड़ी चेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है चेंज। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है। आपका Vs जो था वो L1 डिस्टेंस पे बैलेंस हुआ, और Vx क्या हुआ, L2 डिस्टेंस पे बैलेंस हुआ। तो इक्वेशन वन और टू को जब मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन, वी गेट Vx अपॉन Vs इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, ठीक है, Vx अपॉन Vs इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो आप देख सकते हो कि वोल्टेज का रेशियो किसके इक्वल है, लेंथ के रेशियो के इक्वल है। तो यहां पे क्या हुआ, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वोल्टेज का, किससे, लीनियर स्केल लेंथ से, ठीक है। तो यहां पे आप लेंथ के हिसाब से, अब मान लो, अब कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, कि अब यहां से मैं क्या देख सकता हूं, इधर से ये देख सकता हूं कि Vx इज इक्वल टू Vs इंटू L2 अपॉन L1, ठीक है, ये चीज को आप लिख सकते हो। तो अब देखिए कि आपको मैंने क्या बताया कि स्टैंडर्ड सेल आपको पता रहेगा, वो उसकी वैल्यू आपको पता रहेगी। मान लीजिए आप 10 वोल्ट का, 100 वोल्ट का कुछ वोल्टेज ले लिए, L2 आपने मेजर कर लिया था, L2 आपका कितना आया था, 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपको यहां पे वैल्यू लिख देता हूं मैं, Vs इज इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। L2 कितना आ गया, L2 आ गया आपका, सपोज कीजिए ये जो लेंथ आपको Vx मेजर हो रहा है वो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर पे। L1 कितना में मेजर हुआ, 10 सेंटीमीटर में। तो आपका Vx किसके इक्वल होगा, Vx होगा 10 into 8 upon 10, that is cancel out, तो Vx की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 वोल्ट की। तो यहां से आपको क्या मिल गया, आपको अननोन वोल्टेज का वैल्यू मिल चुका है। तो इस प्रकार से आपका पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा। तो मैंने आपको यहां पे पोटेंशियोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया, वर्किंग भी बता दिया, और जो मेन फॉर्मूला हमको यूज करने वाले थे हम, वो क्या बता दिया, ये, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख के दे दिया, राइट। और यहां पे एक और चीज देखो कि जब भी पोटेंशियोमीटर बैलेंस हो रहा है, जब भी पोटेंशियोमीटर बैलेंस हो रहा है, तो डिटेक्टर में करंट जीरो फ्लो हो रहा है। डिटेक्टर में करंट जीरो फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि क्या, कि मान लो अगर डिटेक्टर का कुछ रेसिस्टेंस भी होगा,
डिटेक्टर का कुछ रेसिस्टेंस भी होगा तो भी इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि करंट तो जीरो है, तो वोल्टेज ड्रॉप कहां से होगा? जो भी ड्रॉप हो रहा है वो यहां पे हो रहा है और हम इक्वेट कर रहे हैं इसको इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है। तो इससे आप इस तरीके से आपको पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। तो देखो ये पॉइंट पूरा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, दो क्वेश्चन लेता हूं आपका जो आपके एसएससी जेई में आए हुए हैं, उससे हम समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पोटेंशियोमीटर में फ्रेम होते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, बोर्ड वाइप करता हूं और यहीं पे क्वेश्चन लिखता हूं। तो ये आपके सामने टू न्यूमेरिकल्स हैं जो एसएससी जेई में आपका पोटेंशियोमीटर से फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया गया हुआ है। ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ अ लो रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर, देखो लो रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है पोटेंशियोमीटर। अब द फॉलोइंग रीडिंग्स वेयर ऑब्टेंड, क्या रीडिंग्स दी गई हैं? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.531 वोल्ट, मतलब कि एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है, पर हमें यह पता है कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 0.531 वोल्ट, राइट। तो ये आपका वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 0.1 ओम, एक 0.1 ओम का स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है कनेक्टेड इन सीरीज विद द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज विद द अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.083 वोल्ट। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि मान लो एक सर्किट है, ये आपका एक सर्किट हो गया, ठीक है। और देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सीरीज में कनेक्टेड है ना दोनों रेजिस्टेंस। अब ये आपको क्या हो गया, अननोन रेजिस्टेंस हो गया, अननोन रेजिस्टेंस ये वाला हो गया आपका अननोन रेजिस्टेंस, और ये आपका हो गया स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। कुछ ऐसा सोर्स होगा, सोर्स की वैल्यू हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, पर ये बस पता है कि सीरीज में। अब क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है भाई, 0.1 ओम, 0.1 ओम है। और क्या चीज पता है इसके बारे में कि इस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 1. प्लस माइनस अगर मैं ले रहा हूं, करंट यहां से फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पे कितना ड्रॉप हो रहा है, 1.083 वोल्ट, ठीक है। तो 1.083 वोल्ट हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है। अब रेसिस्टेंस की वैल्यू पता है, वोल्टेज की वैल्यू पता है, तो क्या करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल। आई कितना होगा भाई, आई सिंपल सा होगा, अगर आप देख रहे हो आई यहां पे फ्लो हो रहा है, तो आई इंटू, आपको पता है कि 1.083 जो वोल्ट आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, वो किसके इक्वल है, आई इंटू 0.1 ओम के। तो इसका मतलब आई कितना है, आई जो है वो है आपका 1.083 वोल्ट अपॉन 0.1, दैट मींस 10.83 एम्पियर्स के इक्वल है। तो 10.83 का एम्पियर फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, और सर्किट कैसा है, सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट मतलब कि क्या, करंट सेम फ्लो हो रहा होगा दोनों रेसिस्टेंस में, करेक्ट है ना बात, इतना समझ में आया कि दोनों रेसिस्टर्स में करंट सेम फ्लो हो रहा है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10.83 करंट फ्लो हो रहा है। अब तो खेल आसान हो गया, कैसे, क्योंकि जब भाई हमको करंट पता चल गया कि 10.83 करंट फ्लो हो रहा है, और ये तो पता ही है कि इस अननोन रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 0.531 वोल्ट, तो मैं इस अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, जो कि किसके इक्वल आएगी, जो कि इक्वल आएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। देखो Vx अननोन करंट, अननोन वोल्टेज का, अननोन रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को Vx लिख रहा हूं, करंट I हो गया, कितना हो गया, 0.531 अपॉन 10.83, जो कि किसके इक्वल आएगा, आपके ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू 49.03 एम्पियर के, ठीक है, 49.03 मिली एम्पियर्स के, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था आपके एसएससी जेई में। अब देखो इसमें जिसको पोटेंशियोमीटर नहीं भी आता होगा, पोटेंशियोमीटर जिसको नहीं भी आता होगा वो भी इस क्वेश्चन को बना सकता है, अगर उसका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट सही है तो, ठीक है। तो ऐसे ही करके ना आप ना अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है आपका, तो आप मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट सब के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लगभग नेटवर्क्स और ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट वहीं से आते हैं, ठीक है।
तो यहां पे आप देखो पोटेंशियोमीटर का नाम लिख दिया गया था क्वेश्चन में। अब जो जो नहीं पढ़ा होगा पोटेंशियोमीटर, वो देख जैसे ही देखेगा कि पोटेंशियोमीटर बोल दिया गया है तो वो पहले डर के इस क्वेश्चन को स्किप कर देगा। पर देखो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हो रहा है, सिंपल सा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो भी क्या ओम्स लॉ का यूज हो रहा है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर लिए, एसएससी जेईई का क्वेश्चन जो था ऑप्शन ए आप हमारा करेक्ट आ गया। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ डीसी सर्किट। एक डीसी सर्किट है, ठीक है, डीसी सर्किट मतलब क्या होता है कि एक सिंपल सा आपका वोल्टेज सोर्स रहेगा, उसका कुछ रेसिस्टेंस रहेगा, वो आपका हो गया डीसी सर्किट, ठीक है। तो यहां पे देखो ये हो गया आपका एक, सपोज करो ये डीसी सर्किट है, राइट, डीसी सर्किट। तो ये आपका वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और इतना पोर्शन क्या हो गया डीसी सर्किट हो गया। अब बोला जा रहा है पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ डीसी सर्किट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, विच इज फाउंड टू बी 1.2 वोल्ट। अब बोला जा रहा है कि जब पोटेंशियोमीटर को आप जब यूज किए तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आया, 1.2 वोल्ट आ गया, ठीक है। जब पोटेंशियोमीटर को यूज किए तो दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना आया, 1.2 वोल्ट का आया। अब देखो कॉन्सेप्ट अगर आप पोटेंशियोमीटर का सुने होंगे ढंग से तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे एक 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 कोड है, उसको आपको ट्रिक करना है, ठीक है। तो क्या है ट्रिक यहाँ पे समझने के लिए इस क्वेश्चन में, कि जब जब आप पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हो, जब जब आप पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हो तो क्या होगा, पोटेंशियोमीटर यूज करते समय जब आप अननोन वोल्टेज देखो यहां पे क्या हो रहा है, अननोन वोल्टेज ही तो निकाल रहे हैं ना, वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स क्या हो गया, एक अननोन वोल्टेज की यहां पे एक अननोन वोल्टेज को मेजर किए जिसका वैल्यू कितना आया, 1.2 वोल्ट आया। तो पोटेंशियोमीटर तो आपको अननोन वोल्टेज की वैल्यू दे दिया 1.2 वोल्ट, पर यहां पे देखने वाली बात है कि जब आप पोटेंशियोमीटर को यूज कर रहे हो तो पोटेंशियोमीटर क्या होगा, वैल्यू देते समय बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड होगा इसका मतलब कि क्या, डिटेक्टर करंट आपका जीरो होगा, डिटेक्टर करंट अगर जीरो होगा तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि जो भी डिटेक्टर में रेसिस्टेंस था और डिटेक्टर रेसिस्टेंस था उसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि डिटेक्टर करंट जीरो है ना। आपको सर्किट याद है, मैंने आपको अभी जस्ट समझाया है कि बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, आपका पोटेंशियोमीटर का डिटेक्टर करंट जीरो हो जाएगा, डिटेक्टर करंट जीरो होने के कारण आपका कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस तो इसका मतलब कि क्या, कि सारा का सारा वोल्टेज जो ये आ रहा है 1.2 वोल्ट, वो क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब कि क्या, ये वोल्टेज इस डीसी बैटरी जो भी डीसी सर्किट है उसके सोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि यहां पे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा है, पोटेंशियोमीटर में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो सारा का सारा वोल्टेज किसका हुआ, ये 1.2 वोल्ट सोर्स का हुआ, ठीक है। ये जो अगर डीसी सर्किट का जो सोर्स होगा वीएस, उसका वैल्यू कितना हुआ, 1.2 वोल्ट हो गया, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो जो मेजर किया पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को वो किसको मेजर किया, इसी वोल्टेज को मेजर किया था, और यही आपका ओपन सर्किट कंडीशन में यहां पे आया, क्योंकि यहां पे आई कितना है, जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, राइट, ये चीज। अब देखो वीएस निकल के डीसी सर्किट का सोर्स मिल गया हमें 1.2 वोल्ट का। अब देखो दिस 1.2 वोल्ट हो गया। अब देखो दिस इज ऑल्सो मेजर्ड बाय अ वोल्टमीटर। अब यहां पे आपको पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के बीच का फर्क पता चलेगा। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर का फर्क कैसे पता चलेगा, कि वोल्टमीटर विच इज फाउंड टू बी 0.9 वोल्ट। अब जब आप वोल्टमीटर के हेल्प से, पहले पोटेंशियोमीटर के हेल्प से आप यहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज नापे, कितना आया, 1.2 वोल्ट आ गया। 1.2 वोल्ट कैसे आया, यहां पे नापे तो आपको पता चल गया कि 1.2 वोल्ट आपके सोर्स वोल्टेज के इक्वल है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में ड्रॉप नहीं हो रहा है। पर अब जब आप वोल्टमीटर का यूज कर रहे हो, वोल्टमीटर का यूज करके इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टमीटर को कनेक्ट किए, तो वोल्टमीटर आपका कितना रीडिंग दे रहा है, वोल्टमीटर आपका रीडिंग दे रहा है 0.9 वोल्ट का, 0.9 वोल्ट का रीडिंग दे रहा है, ठीक है, 0.9 वोल्ट। ये देखो
द रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज 60 किलो ओम. अब देखो इंटरनल रेसिस्टेंस है वोल्टमीटर का, तो वो कितना है 60 किलो ओम्स का. तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक वोल्टमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूं. ये हो गया 60 किलो ओम्स, और इस 60 किलो ओम्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 0.9 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज 60 किलो ओम, द इनपुट रेसिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज. ठीक है, अब ये दो पॉइंट के बीच में जो ये इनपुट रेसिस्टेंस है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है. तो देखो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से आपको इनडायरेक्टली एग्जामिनर ने बता दिया कि सोर्स वोल्टेज भाई आपका 1.2 वोल्ट है. वोल्टमीटर के हेल्प से ये बता दिया कि वोल्टमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस है 60 किलो ओम का, और उस 60 किलो ओम के अक्रॉस ड्रॉप कितना हो रहा है, 0.9 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है. राइट, तो अगर ऐसा केस है तो आपको इस रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल है. कैसे, यहां पे आप क्या कर सकते हो, रेसिस्टेंस इनपुट रेसिस्टेंस, आप सिंपल सा यहां पे अगर आप करंट फाइंड आउट कर लोगे, यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है 0.9, अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं करंट की वैल्यू को, 0.9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 60 किलो ओम, 0.9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 60 किलो ओम, कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका, 0.9 डिवाइडेड बाय 60, 0.015 मिली एम्पियर का. ठीक है, तो यहां पे मैं देख सकता हूं 0.015 का मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो अगर ये 0.015 का मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, अब तो हमको रेसिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी आराम से. कैसे पता चल जाएगी, क्योंकि अगर आप यहां पे देखो Vs माइनस 0.9 कितना होगा, Vs माइनस 0.9, मतलब 1.2, अगर मैं टोटल R इक्विवेलेंट निकालूं, R इक्विवेलेंट कितना निकल रहा है हमको यहां से, इन दोनों पॉइंट का नहीं, अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, R इनपुट. यहां पे मेरे को पता चल गया इस पॉइंट का वैल्यू कितना है 1.2 वोल्ट, इस पॉइंट का वैल्यू कितना है 0.9 वोल्ट, और करंट कितना है 0.015 मिली एंपियर. तो Rx की वैल्यू, R इनपुट की वैल्यू कितनी है, 1.2 माइनस 0.9 अपॉन 0.015. ये किसके इक्वल आ गया, इसको चेक करते हैं, इसकी वैल्यू को मिली एंपियर से. ठीक है, तो 1.2 माइनस 0.9 अपॉन 0.015 20 किलो ओम्स के इक्वल. ठीक है, ये आ गया आपका 20 किलो ओम्स के इक्वल, राइट, ऑप्शन बी. तो ऐसे करके आपका एसएससी जेई का क्वेश्चन सॉल्व हो गया. राइट, तो आपको बस ये समझना था कि जो पोटेंशियोमीटर के से जब आप वोल्टेज मेजर किए थे वो आपका सोर्स वोल्टेज के इक्वल आ गया था, जब आप वोल्टेज वोल्टमीटर के थ्रू मेजर किए थे तो आपका क्या हो रहा था, कुछ ड्रॉप आ रहा था आपका वोल्टेज सोर्स में. क्यों ड्रॉप आ रहा था भाई, क्योंकि आपका वोल्टमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस जब आया तो सर्किट आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो जो करंट फ्लो हो रहा था उसके कारण यहां पे भी वोल्टेज ड्रॉप होने लग गया. कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, आप सपोज कर सकते हो ये 0.3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था. ठीक है, 0.3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, उसके कारण आपको एक्चुअल वैल्यू जो सोर्स की थी वो नहीं मिली. ठीक है, तो उसके कारण आप क्या कर पाए, आराम से R इनपुट की वैल्यू आपसे पूछी गई थी वो आप इसे नोडल एनालिसिस से निकाल सकते थे, या तो फिर आप क्या कर सकते थे, यहां पे 1.2 वोल्टेज है, यहां पे 0.9 है, तो 0.3 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.015 20 किलो ओम आपका आंसर आ गया. तो ये था पूरा पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन जो आपका एसएससी जेई में आया हुआ था, कॉन्सेप्ट भी मैंने समझा दिया है. तो यहां पे आपका पोटेंशियोमीटर कंप्लीट होता है. राइट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए best books और test series का link मैंने description में दे दिया है. और अगर आप हमारा Telegram channel join करना चाहते हैं तो उसका link भी मैंने description में और first comment में दे दिया है. तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए have a good day. See ya.